हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू। तो चलिए आज फिर बनाते हैं हम एक केक जो हार्ट शेप का है और ये ऑर्डर का केक है। तो ये 1 पाउंड का केक है। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप प्रीमिक्स से हार्ट शेप के मोल्ड में केक बेक कर लिया था और इसकी पहली लेयर हटाएंगे और इसको 3 लेयर में कट करेंगे। तो इसमें हम निशान लगा ले रहे हैं। इस बार हम धागे से कट करने वाले हैं इसको। इसमें 2 कट का निशान हम लगा लेंगे इस तरह। अब इस कट के बीच में धागे को इस तरह से फंसा देना है और इसको धीरे से खींच लेना है। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल बीच से बराबर कटेगा। कभी कभी होता है कि साइड से तो बराबर कट जाता है लेकिन बीच में कभी मोटा कट जाता कभी पतला हो जाता, तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका बिल्कुल सीधा कटेगा। तो ये 3 लेयर मेरे केक का कट गया है। अब हम इस केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा के और अब लेयर्स को सेट करेंगे। ये बटर स्कॉच फ्लेवर का केक है तो इसको की सोकिंग हम बटर स्कॉच क्रश और पानी के साथ करेंगे। अब इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे अच्छी सी। आज मेरी क्रीम जो है स्टिफ बीट हो गई है ज़्यादा, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून बटर स्कॉच का क्रश डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फैला लेना है इसके ऊपर। अब ये बटर स्कॉच के जो दाने आते हैं वो जो उसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस लिया है वो डाल देंगे। वो बटर स्कॉच का जो बीट्स होता है वो कई दफ़ा कस्टमर के मुंह में लगता है, इस वजह से वो मना करते हैं डालने से। तो मैं उसको क्या करती हूँ कि पीस लेती हूँ। पीसने के बाद डालने से उसका फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और वो पता भी नहीं चलता है। अब इसके ऊपर बाकी की लेयरिंग भी कर लेंगे। और इस पर फाइनल लेयर रख देंगे अपनी। इसको भी ऊपर से हमें सोक करना है। अब इसको हम क्रम कोट कर लेते हैं। हार्ट शेप का केक जब भी बनता है उसके शेप को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि शेप नहीं बिगड़नी चाहिए, आगे से भी पॉइंट सही होना चाहिए, पीछे का भी शेप सही होना चाहिए। तो उसी हिसाब से इसकी क्रम कोटिंग कीजिए। और कस्टमर ने मुझे फ़ोटो भेजा था, मतलब डिज़ाइन चाहिए था जैसा उनको वो उसकी फ़ोटो भेजा था, तो उसी हिसाब से बनाया। वो तो वो केक ज़्यादा बड़ा था, ये सिर्फ 1 पाउंड का बन रहा था तो छोटा केक था, तो डिज़ाइन को मैच करने में थोड़ी सी परेशानी हुई लेकिन हो गया लगभग। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्रम कोट कर देना है और इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। उसके बाद फिर हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। तो इसकी फाइनल आइसिंग हमें पिंक कलर की क्रीम से करनी है। तो क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लेंगे और उसको अच्छी तरह से साइड से लगाएंगे।
और ऊपर भी अच्छी तरह से लगाएंगे। और सबसे पहले हम ऊपर से क्रीम को मिक्स करना मिलाना शुरू करेंगे। पहले ऊपर बराबर करेंगे, फिर साइड में बराबर करेंगे। और यहाँ पर भी हम जो हार्ट की शेप को मेंटेन करते हुए काम करेंगे। क्रीम मेरी थोड़ी ओवर बीट हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे काम करने में, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। अगर आप लोगों की क्रीम भी कभी ओवर बीट हो जाए तो उसको जो है आप थोड़ा सा उसमें क्रीम जो लिक्विड क्रीम मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए लिक्विड क्रीम को, और उसको फिर सॉफ्ट कर लीजिए। और जहाँ जहाँ पर देखिए कि कहीं पर गैप है, कहीं पर रह गया है क्रीम नहीं है सही से लगी हुई, तो उसको सही कीजिए और अच्छी सी फिनिशिंग दे दीजिए अपने केक को। जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर क्रीम कम है, वहाँ वहाँ मैं लगाती जा रही हूँ और उसको अच्छी फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरा आइडिया, मेरे केक बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये मैंने रोज़ बना के 1-1.5 घंटा पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बस इस रोज़ को हम पहले सबसे मतलब सीधी लाइन में एक इस पॉइंट पर एक उस पॉइंट पर लगाएंगे ताकि एक अच्छी सी शेप हमें मिल जाए, और उसके बाद हम दोनों साइड से इस तरह से इसको सेट कर देंगे। अब रोज सेट हो गया है। अब इसमें हम बीच बीच में जहाँ जहाँ गैप है वहाँ हम लीफ बना देंगे। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाके वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। अब इसके ऊपर हम साइड से बड़ा वाला पर्ल लगा देंगे, फिर सिल्वर स्प्रे कर देंगे और ज़ीरो साइज़ का पर्ल जो है वो बीच में सेंटर में डाल देंगे। हालांकि ये डिज़ाइन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा अपना डिज़ाइन भी इसमें डाल दिया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।